होती है। और जो विलोम होते तब आवाज का मसला होता है, मतलब जो विलोम होता है। किसी ने कहा है कि जब से हमने न्यूज सुनी तब से हमें बिलाल ना बड़ा लगने लगा है, वैसे छोटा लगता था, जब से न्यूज सुनी पापा बनने वाला था हमें बड़ा लगने शुरू हो गया है। आज मेरे साथ है मेरी जान, दोनों मेरी जान, बिलाल और आमना, बहुत अरसे के बाद, और तीसरी जान मेरी आयत। मुझे बहुत मुतासिर किया क्या किया मुझे तो बहुत अच्छा, क्योंकि जब बिलाल ने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी आमना को पता ही होगा कितना शर्माता था, आमना याद है ना, तो आमना ने उसको इतना हौसला दिया था और मैंने भी कि नहीं बिलाल आपसे हो ब्लॉगिंग कर नहीं सकता, उसकी आवाज इतनी अच्छी है, मैं उसकी आवाज से बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ। अगर आमना अपने अपने मतलब दिल से ब्लॉगिंग करे ना तो आमना बेस्ट है। तुम बताओ बिलाल, ठीक है ना, आमना की आवाज से तो लोग अपनी फैमिली को भी बुलवाया, हमें सबको लोगों की रिक्वेस्ट पे, और आप लोगों ने पसंद किया तो फिर हम छा गए किचन विद आमना फैमिली, क्या कर सकते हैं। और आज हम तीनों एक साथ हैं, हम तीनों एक जान साथ हैं। व्लॉग्स भी लाइफ के सामने बहुत जबरदस्त आने वाले हैं, जिसका आपको वेट था वो बस आने वाले हैं। देखते रहिए लाइफ विद आमना, और लाइफ बिलाल में भी बहुत अच्छे व्लॉग्स आएंगे, उसको भी देखते रहिएगा। और मिस मत कीजिएगा किसी भी वीडियो को, क्योंकि बहुत ही मजे की वीडियोस हैं, और जो आप लोग देखना चाहते थे आप सब देखेंगे, ठीक है। ठीक है, और इसी तरह मेरी आमना को आप पसंद करते रहिएगा। थैंक यू। 2000 years later, मेरे प्यारे शहजादे भाई से ये देखें, इधर मिले, कैसे हैं आप? तो आपकी वीडियो देखी है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। तो मुझे कमेंट्स करके आप बताइएगा, लगता है कि ये पापा बनने वाला, देखें कितना कितना छोटा सा मासूम सा ये बच्चा लगता है मुझे, आपको अच्छा लगता है? मैंने कमेंट पढ़ा, किसी ने कहा है कि जब से हमने न्यूज़ सुनी तब से हमें बिलाल ना बड़ा लगने लगा है, वैसे छोटा लगता था, जब से न्यूज़ सुनी पापा बनने वाला था हमें बड़ा लगने शुरू हो गया है। मतलब लोग समझते छोटा लगते हैं सारों को, तो जब मुझे समय पापा बनने वाला था अब बड़ा बड़ा लगने शुरू हो गया। यार रिएक्शन ही दिया, बस हंसो। तो हमें वो भी छोटा लगता है, और आप ना तो हमारे भाई छोटा तो यहाँ लाल माइक सेट कर, आप लोगों को बहुत शिकायत है कि माइक नहीं ठीक, मसला ये कि यहाँ ना आवाज गूंजती है मोबाइल से, क्योंकि यहाँ सामान बहुत कम है, मतलब अभी तक सेट नहीं हुआ कुछ, जिस वजह से आवाज गूंजती है। और जो विलोम होते तब आवाज का मसला होता है, मतलब जो विलोम हो तब इशू होता है, वरना कैमरा से तो नहीं इशू, कि कैमरा से भी है आवाज का इशू। चले अब ये रेसिपी तैयार कर, मतलब रेसिपी स्टार्ट करते हैं, और तो शूट स्टार्ट करते हैं, और मैं जा रही हूँ क्योंकि मैंने अपना काम सारा कर दिया है।